नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर बोले नरोत्तम मिश्रा, आज कोरोना के कुल 8062 नए मामले आए, जबकि 10,748 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की रफ्तार नियंत्रण में आ रही है। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस करीब 60,000 हैं। संक्रमण दर 10% पर आ गई है। संक्रमण दर घटी है। बीते 24 घंटे में 74,000 टेस्ट किए गए। 68 नए पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। 1,238 पुलिसकर्मी कुल संक्रमित हैं। बेरसिया में हुई गायों की मौत पर बोले गृह मंत्री, ये एक निजी गौशाला है। 9 गायों का पीएम करवाया गया है। 6 गाय बुजुर्ग होने की वजह से मौत हुई, 2 की निमोनिया से मौत हुई है। निजी गौशाला का संचालन प्रशासन ने हाथ में ले लिया है। अच्छी गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है। न्यायिक जाँच के आदेश भी दिए हैं। प्रदेश में स्कूल खुलने पर बने हुए सस्पेंस पर बोले गृह मंत्री, आज सीएम चर्चा करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। प्रदेश में हो रही चाइनीज मांझे की बिक्री पर बोले गृह मंत्री, अमेजोन और फ्लिपकार्ट कंपनी से फिर से विनती कर रहा हूं, चाइनीज मांझे को बेचने पर रोक लगाई गई है। अगर रोक नहीं लगती फिर कार्रवाई होगी। प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होने वाले, स्वस्थ होकर अपने घरों पर जाने वाले लोगों की संख्या 10,748 है। मैंने 3 दिन पहले भी आप सबका ध्यान आकर्षित किया था कि अब रफ्तार नियंत्रण में आने के बाद घटने लगी है और स्वस्थ होकर घरों की ओर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब एक्टिव केस मध्य प्रदेश में 60,609 कुल बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 10.82 रह गई है संपूर्ण प्रदेश की, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण प्रदेश की 91.08 है। संक्रमण दर घटी और रिकवरी दर बढ़ी हुई आपको दिख रही होगी। सैंपल कल 74,535 संपूर्ण प्रदेश में सैंपल लिए गए। जैसा पूर्व भी मैं कहता रहा हूं, सैंपलों की संख्या हम घटा नहीं रहे हैं और तीसरी लहर कुचलने का जो संकल्प था उसमें सफल होते जा रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश में कल 68 नए पुलिसकर्मी हमारे संक्रमित हुए हैं। अब 1,233 कुल एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में पुलिस केस एक्टिव हैं। कल वैक्सीन जो मध्य प्रदेश के अंदर लगी है वो 38,083 है। ऐसे कुल वैक्सीन अभी तक संपूर्ण प्रदेश की 10,93,13,308 संपूर्ण प्रदेश में लगी है। स्वाभाविक है उनका सवाल करना। तो ये एक निजी गौशाला है, इसमें जैसे ही विषय संज्ञान में आया था 9 गायों का पीएम कराया गया था, जिसमें से 6 गाय ऐसी थी जो बुजुर्ग होने के कारण से और 2 गाय निमोनिया की वजह से और 1 लीवर की बीमारी की वजह से पीएम में आई है, मृत होना पाया गया है। तत्काल निजी संचालक के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वहाँ मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। चारे की गायों के भूसे की व्यवस्था कर दी गई है। जो अच्छी गौशालाएं हैं वहाँ की गायों को उन गौशालाओं में शिफ्ट भी करा रहे हैं और जो अतिक्रमण वहाँ पर इन गौशाला वालों ने किया था उसको भी तोड़ने की कार्रवाई आज करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है।
दिन से आप पीएम मोदी पर और योगी आदित्यनाथ ये क्रोनोलॉजी है, इसको हम सबको समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुनव्वर राणा और नसरुद्दीन शाह ने आज कह दिया। आप पिछला एक महीना देखिए, नसरुद्दीन शाह आज आए, कल मुनव्वर राणा आए, उसके पहले जावेद अख्तर आए थे, उसके पहले सरमान खुर्शीद आए थे, उसके पहले राशिद अलवी आए थे। ये जब मुंह खोलते हैं तब देश के खिलाफ ही बोलते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, जैसे ही कोई चुनाव आता है वैसे ही बोलने लगते हैं। बामी की तरह मुख होता जा रहा है और वचन भुजंग की तरह निकलते जाते हैं। समाज को बांटने में, देश को तोड़ने में जो भी बात सहायक होती है ये उसका सहायक।